दिल्ली के रानीबाग इलाके में आम आदमी मोहल्ला पॉली क्लिनिक द्वारा शुरू की गई कोविड-19 की वैक्सीनेशन। ये मुहिम 27 तारीख से शुरू हुई है। इस मुहिम के चलते रोजाना सुबह 9 बजे से 7 बजे तक 100 से 200 लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है। माई नेम इज आशा डबास, नर्सिंग ऑफिसर इन आम आदमी पॉली क्लिनिक रानीबाग सिंस 5 ईयर। एंड यहाँ पे जो वैक्सीनेशन हो रही है वो 27th of March से स्टार्ट हुई है। 9 to 5 यहाँ का टाइमिंग है, इंक्लूडिंग संडे एंड गजिस्टर्ड हॉलीडे। और यहाँ पे पर डे 100 पेशेंट आ रहे हैं, 100 से अबोव भी हो रहे हैं, 120 के अराउंड पेशेंट आ रहे हैं। और 9 to 5 टाइमिंग है, पेशेंट आ रहे हैं, पहले उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है। वैसे एक हमारे यहाँ पे 2 टीचर है, स्कूल टीचर, वो उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर वो रजिस्ट्रेशन स्लिप भर के मेरे पास आ रहे हैं रूम नंबर 8 में। यहाँ उनका वैक्सीनेशन मैं कर रही हूँ, उसके बाद उनको हम 30 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में बिठा रहे हैं और सजेस्ट करते हैं अगर उनको कोई फीवर या कोई वीकनेस, उनको एक मल्टीविटामिन दे रहे हैं, PCM की टैबलेट दे रहे हैं। अगर उनको हेडेक या फीवर आ रहा है तो वो उनको लेनी है। और अगर किसी को हमारा BP हम चेक कर रहे हैं, उनका BP अगर हमें लो लग रहा है तो ये ORS घोल बना के उनको सजा रहे हैं, आपको ORS का घोल देना है। जी, मेरा नाम शबीना है। आप यहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं इनके लिए? सर, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम में हूँ। जो लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन रूम में वेट करना होता है, तो मुझे उन्हीं का ही ऑब्जर्व करना होता है कि इनके से अगर वैक्सीन के बाद किसी को कोई सिर में दर्द, चक्कर या कोई दिक्कत आ रही है तो हम ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो हम डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इजी है सब कुछ। अभी तक ऐसा किसी पेशेंट को हुआ सिर में दर्द या? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, बट हम फिर भी अपनी सहूलियत मतलब उनकी प्रिकॉशंस के लिए हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अभी तक क्या क्या सावधानियां दे रहे हैं? सर, हम इनको खुद बताते हैं, जैसे कि आपको वैक्सीनेट कर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा या कुछ भी। आप अपने माइंड में लेके चलिए कि कोरोना हो सकता है, तो आप अपना जितना भी प्रिकॉशंस होता है, मास्क लेना, सैनिटाइज करना, दूरी बना के रखना, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है आपको। साथ के साथ आप लोग अपनी खुद की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आप खाते पीते लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बाहर का ना खाएं। अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है, फीवर आता है, उसके लिए हम आपको पैरासीटामोल देते हैं। अगर फीवर नहीं जा रहा तो आपके घर में जो प्रोसिन वगैरह फीवर के लिए लेते हैं वो लीजिएगा। हाथ में ज़्यादा दर्द होता है तो हम बर्फ़ की सिकाई करने के लिए बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि सबको ही फीवर हो या सबके ही हाथ में दर्द। कुछ पेशेंट को होता है, क्योंकि सब मेडिसिन वही है, वैक्सीन वही है, लेकिन बॉडी की कंज्यूमिंग पावर अलग अलग होती है, ये फ़र्क आता है बस। मेरा नाम बबीता शर्मा है, मैं रानीबाग में रहती हूँ। रानीबाग मैम, आपको इंजेक्शन लगा के कुछ फील हो रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा, कोई चक्कर, कोई सिर में दर्द, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक, मैं बिबला शर्मा हूँ, मैं रानीबाग से आई हूँ और ये टीका लगा है, लेकिन कोई कोई महसूस नहीं हो रहा है कि कोई कुछ दर्द है या कोई तकलीफ है या चक्कर आ रहे हैं, कुछ नहीं। मेरा नाम अमृत कौर है, मैं रानीबाग से आई हूँ, मुझे इंजेक्शन लग गया है, पर ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे आधा घंटा होने वाला है, मुझे इंजेक्शन लगे। मैं मालिनी हूँ, रानीबाग ऋषि नगर से आई हूँ, मैंने अभी जस्ट वैक्सीन लगाई है। फिलहाल तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि कोविड वैक्सीन लगवाएं, ना ही डरिए, किसी तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सेफ्टी के लिए सरकार ने किया है, तो आप डेफिनेटली लगाएं। बुखार, चक्कर, इससे डरे ना, और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, पूरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए और अपने घर को, बच्चों को सेफ करिए और पूरे इंडिया को सेफ कीजिए। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर ज़ैनब काजी, आई एम अ मेडिकल ऑफिसर और रानीबाग में अभी इसी मंथ पोस्टिंग हुई है। इसी मंथ? हाँ मैम। यहाँ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कब से हो रही है? वैक्सीनेशन हम लोगों ने लास्ट मंथ से शुरू कर दिया था। यहाँ पर अभी किसी को वैक्सीनेट करने के बाद कोई प्रॉब्लम या किसी को सर में दर्द या बुखार ऐसा कुछ आया? नहीं, थैंकफुली हम लोगों के पास अभी कोई AEFI केस नहीं हुआ है। तो सबसे मतलब जो कंप्लेन हमें आ रही है वैक्सीनेशन के बाद, वो फीवर और बॉडी एक ही आ रही है, वो भी इमीडिएटली, कुछ नहीं हुआ है, कुछ घंटों बाद वो सभी को आता है। हम लोग सभी को पहले काउंसिल कर देते हैं कि आपको फीवर आएगा और आप पैरासीटामोल यहाँ से हम लोग दे देते हैं सबको। अभी 45 के अबव सबको लग रही है। हाँ, 45 के ऊपर वाले। मैम, इसके अलावा और कुछ सुविधाएं यहाँ पर पॉली क्लिनिक पे दी जा रही है वैक्सीन के अलावा? हाँ, का सभी हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पेशेंट्स OPD रेगुलरली चल रही है, यहाँ पे स्किन वाले आते हैं, भगवान महावीर से एफिलिएटेड है ये, तो वहाँ से स्पेशलिस्ट आते हैं, स्किन आते हैं, ऑर्थो के आते हैं, और बाकी एवरीथिंग जो भी बेसिक एक क्लिनिक सेटअप में होता है वो सभी हो रहा है यहाँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।